रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब देखने वालों का और मेरी YouTube फैमिली का? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद। अच्छा जी, आज मैं आप लोग के लिए जो स्वीट डिश लेके आई हूँ, ये रिवायती मीठा है लेकिन ये जब बनता है अपनी मिसाल आप है। तो आज हम बनाएंगे शाही दावतों वाला जरदा। स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 लीटर पानी ले लिया है, एक खुले मुंह की आप देखी ले लें। इसमें 4 से 5 इलायची डाल लेंगे, 4 से 5 इलायची है मेरे पास, ये डाल देंगे। और 4 से 5 ही लौंग है, वो इसके अंदर डाल देंगे। ये लौंग है, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छा जी, अब इसके बाद देखें, वो इसमें 1/2 टीस्पून समझ लें, 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें जो है वो जर्दे का कलर डाल रही हूँ। अच्छा, ये आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ज़रा डार्क कलर का पसंद है जर्दे का, तो इसलिए मैं डार्क डाल रही हूँ। आप अगर लाइट पसंद करते हैं तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, ये डालने के बाद ये देखिए, इसको कवर किया है। जैसे इसमें बॉयल आता है फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ स्टेप के हम क्या करें। अच्छा जी, देखिए ये पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। तो अब हमें करना है, जर्दे के चावल होते हैं सेला चावल, इनको 3 घंटे पहले मैंने जो है वो भिगो दिए थे। जितना ज़्यादा आप इसको भिगोएंगे उतना अच्छे से उलट आएगा। तो अब हम इसमें ये डालेंगे, कवर करेंगे थोड़ा, ताकि जब तक ये चावल जो है वो 3 हिस्से जो हैं इसके गल जाए और 1 हिस्सा यानी कि 1/3 रह जाएगा, तो हम इसको ड्रेन करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कंडीशन है। थोड़ा सा ये बॉयल हो जाए, हमारे पानी जो है उसमें बॉयल आ गया है चावल डालने के बाद। और ये देखिए, ये जो चावल है इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हम अपने फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन करेंगे, फिर आपको आगे बताते हैं। मैं जो हूँ, ये देखें, ये मेरे पास 1 कप के छोटा कप है ये करीब जो है ये घी है, क्योंकि मीठा घी में ही अच्छा बनता है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप घी में बनाएं, लेकिन अगर आप घी नहीं खाते हैं तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। घी को डालने के बाद घी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। हम इसमें मजीद चीज़ें बताती हूँ आपको क्या इसमें हम डालेंगे। इलायची को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे हम घी में। अच्छा जी, देखिए इलायची कड़कड़ा गई। अब मेरे पास यहाँ पे मैं, ये पास है 1 कप के करीब शुगर यानी कि चीनी, ये मैं इसमें डालूंगी। देखिए सारे इसके अंदर डाल दूंगी। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप के करीब दूध, ये मैं इसमें, देखिए इसको थोड़ा चलाएंगे, ये बिल्कुल शीरा जैसा बन जाएगा, बहुत ज़बरदस्त सजरता बनता है। ये मैं आपको अपने तरीके से बनाना सिखा। इसके बाद देखिए, इसमें हमें पास थोड़े से बादाम कटे हुए, तो थोड़े से इस टाइम पे डालेंगे और बाकी गार्निश के लिए रख देंगे। ये कुछ खोपरा है मेरे पास, को भी थोड़े से अभी डालेंगे, थोड़े से गार्निश के लिए रख देंगे। इसी तरीके से मेरे पास ये थोड़ा सा पिस्ता है, इसको भी थोड़ा सा मैं अभी डालूंगी, थोड़ा सा गार्निश के लिए रख दूंगी। अब ये देखिए, चीनी हमारी और दूध के साथ जो है वो पिघल चुकी है। अब हमने जो अपने चावल जर्दे के फ्रेम किए थे वो सारे इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, अच्छी तरीके से इसको चलाएंगे ताकि जो हमारा दूध है, चीनी है और मेवा है वो सारा चावल जो है वो पी है। ठीक है जी, उसको हम अच्छी तरीके से चला के और जो है थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ाएंगे और इसको कवर करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मज़ीद क्या चीज़ें डालेंगे। जी, देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैंने इसके देखिए के नीचे, ये देखिए मैंने तवा रख दिया है, आज को जो है वो मैंने थोड़ी सी दरमियानी रखी है। अब ये देखिए, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा खोया, मेरा फीका खोया है। आपका मीठा हो तो फिर आप चीनी की मिकदार कम कर सकते हैं। ये इसमें हम खोया डालेंगे, थोड़ा सा खोपरा डाल दें, आप बादाम डाल दें, पिस्ता डाल दें और इसको दम पे रख दें ना 5 मिनट के लिए, फिर आपको निकाल दें। अच्छा जी, दम पे रखते वक्त इसमें, ये देखिए मेरे एक, मेरे पास केवड़ा एसेंस है, तो ये 1 टीस्पून के करीब इसमें केवड़ा एसेंस डाल देंगे और इसको कवर करेंगे। अब मिलते हैं आपसे 5 से 10 मिनट के बाद। ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको दम पे रखे हुए, जबरदस्त सा हमारा ये देखिए जरदा तैयार है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको फ्लेम को ऑफ करते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। हमारा
शाही जर्दा बनके तैयार है। इसको चमचम और गुलाब जामुन से मैंने जो है वो डेकोरेट कर दिया है। बहुत मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक कीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बेल के साथ, ताकि हर आने वाली वीडियो आप बासानी देख सकें। इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।